2011 नवंबर में मैं पहले बार मुझे एक स्वप्न में देखा कि शिव जी क्या के बोल रहे तुम्हारे पास कुछ मिराकल पावर है, ऐसा मुझे एहसास हुआ। तो मैंने पहले बार वो झूठ हो सकता है इसमें सपना में, फिर आपको लगा ये सपने की बात है, बात है उसमें फिर भूल गया। फिर क्या होता है ना, मैं फ्राइडे को कहीं भी कुछ बाहर नहीं खाता हूँ, ना प्याज लहसुन कुछ नहीं खाता हूँ। शुक्रवार को आप बाहर खाना ही नहीं खाते? नहीं खाता हूँ। हम तो कटक गया था, बहुत भूख लगा। मैंने सोचा कहाँ से कुछ खाना खा ले, एक मावसी को फोन किया, मावसी तुम्हारे पास कुछ खाना होगा तो मैं जाके खा लूँगा, मैं बाहर नहीं खाऊंगा। ठीक है तुम आ जाओ, मैं तुमको हलवा बना के खिला दूंगा, मावसी ने बोले हैं। मतलब ठीक है, जब मैं उनके घर जाके पहुँचा वो सोया है। मतलब मावसी तुमने अब तक उठा ही नहीं, सोया है क्यों? आपकी मौसी है? हाँ, इस रिश्तेदार मौसी है। तो वो बोले मेरा इतना सर दर्द कर रहा है कि मैं आँख खोल नहीं पाता हूँ। मैंने कहा इतना दर्द हो रहा है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा हाथ उनका माथे पर रख दिया और वो मुझे बोले क्या है तुमको कुछ चमत्कार जब विद्या मालूम है क्या? मैं क्यों ना, मेरे माथा पर हाथ रखते मेरा सर दर्द गायब हुआ। कम से कम एक टैबलेट खाया हुआ तो 15-20 मिनट लगा होता दर्द जाने के लिए। तो मुझे यकीन हुआ कि कल रात में जो सपना देखा था वो झूठ नहीं, इसमें कुछ सच है। बाबा ने सपने का किसी से जिक्र नहीं किया, चोरी छुपे लोगों का इलाज करते रहे। रहस्य से पर्दा उस दिन उठा जब एक दिन घर के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई। माता पिता बेटे की हरकत से पहले नाराज हुए, फिर अपने सामने जब पैरों से लाचार एक मरीज को दौड़ते देखा तो चुप हो गए। बाबा आरत्राण के पिता ने उस मरीज की छड़ी को आज भी संभाल कर रखा है। एक आदमी बाड़ी खार छोड़ के गया था, वो आदमी आया था चल नहीं सकता, बाड़ी धर पकड़ पकड़ जा रहे थे, पास भी आया बाड़ी छोड़ के चला गया, वो चल के गया। तो ये बाबा जी के घर पर में ऐसी निशानियां भी रखी हुई है? नहीं, वो छोड़ के चला गया था एक आदमी। तो ये निशानियां ही है ना कि आए इसी लाठी के सहारे और गए अपने पैरों पर चलकर। उसके बाद गांव का ये मंदिर बाबा का पहला आश्रम बना, जहां शुरू के कई साल दिव्य शक्ति की आजमाइश हुई। तो पहले बार हमारे गांव में मैंने शुरू किया गुरुवार, अपने गांव में पहले हमारे गांव में शिविर लगाया यहीं पे, यही मंदिर का अंदर। अच्छा, इसी मंदिर मंदिर का अंदर। तो लोगों का भीड़ लगने लगा यहीं पे कि क्या है, ऐसा सिंपल सा एक आदमी इतना पावरफुल कैसे एक रात में हो गया, जिसको छूते वो ठीक हो जाते। इसी जगह से बाबा आरत्राण की कहानी शुरू होती है और अब वो कहानी ओडिशा के लगभग हर जिले तक पहुंच चुकी है। हम फिर वहीं खड़े थे जहां से कहानी शुरू हुई थी। बाबा के अतीत में भी केवल चमत्कार की कहानियां हैं। हम अभी भी ये कतई मानने को तैयार नहीं थे कि केवल स्पर्श करने से बीमारी ठीक हो सकती है। और उस नींबू का क्या चक्कर है, इस दैवीय इलाज में उसका क्या काम है? पहले से आपको मालूम होगा जब किसी का कोई नेगेटिव होता है घर के आगे नींबू और मिर्ची लटकाते हैं। ताकि वो कहते हैं कि इससे नजर। हम क्या करते हैं ना, चाहे तुम जितनी पावरफुल हो, अगर एक हाथी को पकड़ना है और बांधना है तो कैसे बांधोगे, कुछ रस्सी का जरूरत होता है। तो हम एक बड़ी के अंदर से जितने भी खराब शक्तियां और लेम्बू में डाल देते हैं और लेम्बू पे रख देते हैं ताकि तुम्हारा बॉडी से नेगेटिव एनर्जी सब चला आए। अभी कुछ समझ पाते हमें एक और जगह चलने का इशारा किया गया। हमारा अगला पड़ाव था भुवनेश्वर से 200 किलोमीटर दूर बालेश्वर। यहाँ के आश्रम में भी दरबार सजा था, मरीज को बाबा के चमत्कारी हाथों का इंतजार था और हमें कुछ ऐसा जो इस कहानी को अंजाम तक ले जा सके। तो
तभी बाबा वहां पहुंचे। फिर कुछ ही देर बाद इलाज का सिलसिला शुरू हुआ। यहां भी भुवनेश्वर से कुछ अलग नहीं था, तस्वीर ज्यों की त्यों थी। एक मरीज का महीनों से हाथ नहीं उठ रहा था, फिर देखिए क्या हुआ। क्या परेशानी है आपको, क्या दिक्कत है? मेरा हाथ उठ रही है, वो दिक्कत है। ये हाथ नहीं उठ रहा? नहीं। ये कब से ऐसी दिक्कत है? एक साल हो गई। एक साल हो गया? तो आप डॉक्टर से आपने संपर्क किया है? डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने क्या कहा? हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तुम्हारा क्या हो रहा है? हाथ दर्द हो रहा है। हाथ दर्द हो रहा है, हाथ नहीं उठ रहा है, वो फ्रोजन शोल्डर है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। खड़ा हो जाओ। अब हाथ उठाओ, ऊपर देखो, फिर से करके उठाओ। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। एक बच्ची जो गले से लाचार थी, बोल नहीं सकती थी, उसके कंठ से स्वर फूटने लगे। एक लड़की 100% डीप था, उनको कोई बात सुनाई नहीं देता था। अभी वो मुझे मिलने पर उनको कान में थोड़ा आवाज सुनने जा रहे। अभी थोड़ा सुनाई देता है ना? बोलो माँ, माँ। अभी उनको कान को सुनाई देता है, पहले कुछ भी नहीं सुनाई देता था। फिर हमने सोचा ऐसे तो कई दिन गुजर जाएंगे और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब पड़ताल की बिसात पर नई चाल चलने का वक्त आ गया था।